नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोहित बैंकिंग करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कैलकुलेशन का हमने 5-6 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आज हम फिर से एक नए कैलकुलेशन के साथ, एक नए ट्रिक्स के साथ आपके सामने आए हैं। तो जो लोग इसके पहले के कैलकुलेशन के वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो एक बार ज़रूर देखें। आइए चलते हैं ट्रिक्स की तरफ। दोस्तों, आज के जो मल्टीप्लीकेशन का जो मेथड है, उसका नाम है सेम एंड टेन। सेम एंड टेन का मतलब है कि जो पहला नंबर है वो सबका सेम होना चाहिए। चेक कीजिए, सारे फर्स्ट वाले डिजिट जो है वो सेम है, 4477 9955। और 10 का मतलब है कि जो दूसरा डिजिट है उसका एडिशन 10 होना चाहिए। जैसे 8 और 2 10 6 4 10 5 5 10 4 6 10 9 1 10 और 6 4 कितना 10। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा दो नंबर मिल जाए जिसका पहला वाला डिजिट सेम हो और लास्ट वाले दो डिजिट का एडिशन 10 हो, तो बहुत आसानी से उसका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। वही हम आज सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या करना है हमको। सबसे पहले जो ये दोनों नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 8 2 जा क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16। ठीक, उसके बाद ये सेम नंबर है 2, 2 को मल्टीप्लाई करना होता है इसके बाद वाले नंबर से। 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6। और हमारा आंसर है 616। ठीक है, वैसे ही सबसे पहले 6 4 जा 24। उसके बाद 3 के बाद वाला नंबर कौन सा है, 4। तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। यही आपका आंसर है। आइए इसे समझिए। सबसे पहले 5 4 5 का मल्टीप्लीकेशन, 5 5 जा 25। 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5। तो 4 5 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, आइए इस वाले को चेक कीजिए। सबसे पहले 4 और 6 का मल्टीप्लीकेशन, 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24। और 7 को उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किससे, 7 के बाद 8 आता है, 7 8 जा कितना, 56। ठीक है, इसे समझिए। 9 1 जा 9। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझो, ये वाला सेक्शन मुझे दो डिजिट का चाहिए। ठीक है, तो 9 को दो डिजिट बनाने के लिए आप लिख दो क्या, 09। ठीक, अब 9 को मल्टीप्लाई करना है उसके नेक्स्ट वाले नंबर यानी 10 से। 9 10 जा कितना, 9 10 जा हो जाएगा 90। ठीक, यही आपका आंसर है। इसे चेक करो, 6 4 जा हो जाएगा 24। 5 को मल्टीप्लाई करना है उसके बाद वाले नंबर से, तो 5 के बाद आता है 6, और 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये है सेम और 10। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझा होगा। जहाँ भी सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे या फिर वर्ड प्रॉब्लम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।